सलमान खान की एक मूवी का डायलॉग था ना, हम जल्दी से किसी की समझ में नहीं आते. ठीक इसी तरह से आप ऐसे लोग हैं हु आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इम्पॉसिबल टू फॉरगेट. आप लोगों को समझना जितना डिफ़िकल्ट है उससे कहीं ज़्यादा आपको भूल पाना है. आज हम आपके सन साइन की बात करने वाले हैं. हाँ जी, आज का टॉपिक होने वाला है ऑल अबाउट जेमिनाइज. इस टॉपिक के लिए मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई कि मैं बता नहीं सकती हूँ. और हाँ, वर्गों के लिए भी आई हैं, लेकिन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अप दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज दो कारण हैं उसके, और वो मैं कारण आपको लास्ट में बताऊँगी. तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आज इसमें कुछ स्पेशल तड़का डालने वाली हूँ. ऑफकोर्स जेमिनाइज की पोल पट्टी तो खोलूँगी जैसे मैं सबकी खोलती हूँ, हर सन साइन की खोलती हूँ. पोल पट्टी खोलने का मतलब ये है इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ये है कि अपने अंदर की कुछ कमियाँ उनको पूरा कर लीजिए. सेकेंड, मैं ऑल्सो इसके अंदर सेकेंड तड़का जो डालूँगी वो ये डालूँगी कि जो लोग जेमिनाइज, जिनकी इनकी लाइफ में जेमिनाइज हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं या उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है जेमिनाइज, उनके लिए एक मैसेज, स्पेशल वाला मैसेज कि आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है वो मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा. थर्ड इम्पॉर्टेंट तड़का इस वीडियो में लगने वाला है वो ये कि मैं जेमिनाइज के लिए एक मैसेज दूँगी. और आप मुझे प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैम आपने हर एक सन साइन में तो मैसेज नहीं दिया. कई बार कहते हैं कि हमें कुछ कहना होता है तो किसी ज़रिए से कहना होता है, और ये मैं जेमिनाइज के लिए स्पेशली मैसेज क्यों दूंगी इसका आंसर भी मैं लास्ट में दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी और आप आई एम श्योर आप उसका मज़ा लेंगे. बिफोर आई बिगिन विद जेमिनाई, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट दो मिनट की. एक मैसेज में, इंस्टाग्राम में, पोस्ट में और मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, रील्स में बताया था कि मैं एक मून मेडिटेशन के ऊपर प्रैक्टिकल वर्कशॉप कर रही हूँ. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनमें से दो के इम्पॉर्टेंट है जो मैं आंसर देना चाहूँगी. पहली चीज़, आप में से कुछ लोगों ने कहा कि क्या मैम ये फ्री नहीं हो सकती. प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब भी हम कोई फ्री की चीज़ करते हैं तो हम उसे कभी सीरियसली नहीं लेते. क्यों? क्योंकि हमारा उसमें एफर्ट नहीं लग रहा होता, राइट? लेकिन जब भी हम उस चीज़ के लिए कोई एफर्ट डालते हैं, चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज किसी भी फॉर्म में हो रहा है, तो आपका जो एफर्ट डला हुआ होगा उसको आप जेन्युइनली संजीदगी से लेंगे. अदरवाइज़ आपको लगेगा पढ़ा तो है, कभी भी देख लेंगे, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई थी कि हाउ डू वी गो अहेड विद इट. आपको मैंने एक मेल आईडी दी थी, dr.neeti.kaushik369@gmail.com. मैंने यहाँ भी स्फ्लैश हो रही है, इस मेल आईडी पे आपको मेल डालना है, मेरी टीम आपको रिवर्ट करेगी और रिवर्ट करने के बाद दे विल बी गेटिंग बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द वर्कशॉप. दैट मेक्स सेंस. चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जेमिनाइज, जो कि वीडियो एक मस्त 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 होने वाली है. तो जेमिनाइज ऐसे हैं, ये बिल्कुल फेक फ्रेंड्स नहीं होते किसी के भी. आपके मुंह के सामने हैं जैसे हैं, राइट? अगर आपको प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं ना, और अगर आपको प्यार नहीं करते तो इनके हाव भाव, बात करने के तरीके से, इनका इग्नोर करने के तरीके से आप समझ जाओगे कि जेमिनाई, ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे लाइक नहीं करता, राइट? ये आपके फेक फ्रेंड बनके कभी नहीं रहेंगे कि सामने कुछ बोलें और आप जरा सा इधर उधर हुए तो आपके पीठ पीछे कुछ और बोलने लगेंगे. नेवर एवर. दे वेरी वेरी क्लियर, दे वेरी कट, दे नो व्हाट दे हैव टू से एंड व्हाट दे डोंट हैव टू से. अनदर थिंग इज, कहीं पार्टी में, कहीं बहुत इनको मज़ा आ रहा है, कहीं बहुत अच्छे से बातें चल रही हैं और दे आर इन्जॉइंग देयर पार्टी, दे आर इन्जॉइंग देयर टाइम, या जो भी, जिस भी समय जिसके साथ भी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अचानक से सेकेंड्स में बीच में खड़े होकर बोलेंगे ओके मैं घर जा रहा हूँ, या ओके मैं घर जा रही हूँ. आपको लगने लगेगा क्या गलती हो गई यार, क्या कुछ बोल दिया यार, क्या ऐसा कर दिया. बट यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है. ये सेकंड्स में अपना मूड चेंज करते हैं और सेकंड्स में अपनी दूसरी चीज़ें चाहते हैं कि अब बस ये हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं करना या मुझे आगे बढ़ना है. सो दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ देम. आप ना लर्न जो भी करते हो, आप अपने हिसाब से लर्न करते हो चीज़ों को, आप अपनी पेस से लर्न करते हो या अपनी पेस से समझते हो. अगर आपका मन है तो आप 4 घंटे तक बैठे रहोगे और वो काम पूरा करोगे. अगर आपका मन नहीं है तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बॉस, कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं करोगे.
क्यों? क्योंकि आपका जो दिल जिस चीज़ में है ना, उस चीज़ को आप 200% पूरा करके देते हो और कैसे भी करके पूरा करके देते हो, बट यू हैव योर ओन पेस टू डू योर थिंग्स. आपको किसी, एक कहते हैं ना, कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता. मतलब आपको 8-4 वाली नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको एक जगह पे कंपार्टमेंटलाइज करा जाए तो वो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है मैं मतलब बेड़ियों में जकड़ा नहीं जा सकता. रीज़न उसका एक ही है कि आप हवा के झोंके हो. योर साइन इज़ एयर, ओके, योर एलिमेंट इज़ एयर. तो जो एयर है, हवा क्या है? हवा का झोंका, आज यहाँ कल वहाँ, आज वहाँ यहाँ. तो इसी तरह से आपको एक जगह पे पकड़कर नहीं बिठाया जा सकता, चाहे वो नौकरी हो, चाहे काम हो, चाहे स्कूल हो. इवन स्कूल का जो फिक्स टाइम है वो भी आपको ऐसे लगता है कि क्यों इतने घंटों का स्कूल होता है, 10 मिनट का ये पीरियड ख़त्म हो जाना चाहिए. क्यों एक टीचर एक चैप्टर को पढ़ाने में या 40 मिनट्स लगा देती है समझाने में? क्योंकि आपके अंदर इतनी, आप क्विक और इतने शार्प हो ना कि आप इतनी जल्दी से ग्रास्प कर आते हो जो भी चीज़ समझनी है आपको, वो ऐसे लगता है चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं. आपका बस चले तो आप हर चीज कट शॉर्ट करके कहें कि बस यार 2 मिनट में बता दो, जिस्ट बता दो, हमें समझ में आ जाएगा. और जेन्युइनली आप इतने ब्रेनियों, आपको जिस्ट से ही सब कुछ समझ में आ जाता है. और मुझे मालूम है इस टाइम वीडियो देखते हुए आपको लग रहा होगा, मैम कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको लंबा नहीं खींचिए. ओके, बीइंग अ टीचर ये मेरी आदत है, मुझे लंबा खींचना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे सब मतलब हर किसी से डिस्कशन करनी है और हर किसी को समझाना है. आप बहुत कमाल के इंटेलेक्चुअल हो, आप अमेजिंगली इंटेलिजेंट हो, इतने ब्रेनी हो और आपको पूरी खबर रहती है आसपास पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है. कहीं डिबेट चल रही हो, कहीं डिस्कशन चल रही हो, कहीं न्यूज़ हो रही हो, कहीं क्रिकेट, फुटबॉल, एनी स्पोर्ट्स, आपका ध्यान, आपका नॉलेज, आपकी अवेयरनेस इतनी ज़बरदस्त है कि आपको आपके साथ में ना अंडर द सन एनीथिंग विच कैन बी डिस्कस्ड, यू आर रेडी विद एन आंसर बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट इट. और आप ये शोकेस नहीं करते हो, मतलब अपनी बखानते नहीं हो कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है. आपके लिए ठीक है यार, आता है और उसके बाद किसी ने पूछा और उसके बाद अपना आपने जवाब दे दिया. सो फॉर यू इट इज़ लाइक इट्स ओके, आई नो, एंड वट एवर यू नो, यू एक्चुअली नो इट वेरी वेल बिकॉज यू आर वेरी वेरी ब्राइट एंड वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट. आपको पॉलिटिक्स में मज़ा आता है, मतलब इसकी सुनना, उसकी सुनना, टिप्पणियाँ करना, अपनी कुछ भी बात कर देना, बोल देना, आपको मज़ा आता है. दो यू डायरेक्टली डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बट येस, वो कहते हैं ना कि एक घर का खबरिया होता है जिसको सारी खबरें रहती हैं. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ अवेयर अबाउट एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत क्विक विटेड हो. आपने देखा होगा जेमिनी के साइन में दो सिंबल्स होते हैं. जब दो सिंबल्स होते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, आप स्प्लिट्स में, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, आप बहुत पार्टी को एंजॉय करो, कैसे स्प्लिट में चेंज हो जाते हो, आपका मन करता है चलो घर चलो. सिमिलरली आपके लिए मतलब दो मूड्स कब स्विंग हुई और कब चेंज हों वो समझ ही नहीं आता. जैसे पहला मूड ये होगा कि आई रियली वॉन्ट समवन, ओके, लाइक आई रियली वॉन्ट समवन. और आफ्टर अबाउट some you know minutes or hours you will say I like being alone, I don't want anyone. तो ऐसे आप मतलब पलटी मारते हो, आप जान के नहीं मारते हो, आपके अंदर जो एक रेस्टलेसनेस है ना वो मतलब आपको बहुत जल्दी से चेंज करती है सिचुएशंस को और आपकी पोजीशंस को और आपके लाइकिंग्स को और आपकी डिसलाइकिंग्स को, कि ठीक है यार, इट्स ओके, डन एंड डस्टेड, नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाट दैट वे. अब मैं आपकी पोल पट्टी खोलने वाली हूँ. अगर मैं बात करूं पोल पट्टी खोलने की तो समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताने वाली हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको शायद काम करना पड़े या करना चाहिए. पहली चीज़, आप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो. इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड हो, आप जानते हो कि मैं जो काम 2 मिनट में कर डालूंगा मैं उसके लिए क्यों अपना पूरा दिन ख़राब करूं, या जो चैप्टर मैं 1 घंटे में या आधे घंटे में पढ़ के मैं इतने मार्क्स ले जाऊंगा मैं उसके लिए क्यों अपना टाइम ख़राब करूं. सो बीइंग अ जेमिनी आप बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहते हो और स्पेशली आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक्वेरियंस या सेजिटेरियंस के साथ या स्कॉर्पियंस के साथ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं. वो आगे की सोचते हैं और फिर पीछे आते हैं और आपको लगता है अभी जो है हाथ के हाथ ख़त्म करो, 10 मिनट में ओवर. सेकेंड, आपके साथ इशू ये है, आप अपना थंब रूल फॉलो करते हो. आप जो थंब रूल बना हुआ है दुनिया की तरफ से वो थंब रूल आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते हो. यानी आपको जो पसंद है, अगर मैंने यहाँ जाना है ए टू, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और मैं कहूँ ये बड़ी सड़क है, ये रास्ता ए टू बी जा रहा है, आप इसी को लीजिएगा, आप कहोगे क्यों, कहाँ लिखा है,
मैं तो इसे घूम घाम के जाऊंगा, मुझे तो छोटे वाले रास्ते से जाना है या मुझे तो गलियों में से निकल के जाना है. सो आपके लिए वो थंब रूल फॉलो करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होता. आप अपने हिसाब के, अपने अपने दिल के राजा हो, अपनी मर्ज़ी के राजा हो, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करना चाहते हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सेकेंड चांस बहुत कम देते हो लोगों को. अगर आपकी नज़र से, आपके दिल से कोई एक बार उतर गया, उसके लिए दोबारा आपकी लाइफ में आना नामुमकिन है, शायद नहीं, कभी भी नहीं. आप बात करने के लिए बात कर लोगे, लेकिन एक्सेप्टेंस आपके अंदर आनी बहुत बहुत नियरली इम्पॉसिबल है, आई शुड से. ये तो हो गई पोल पट्टी. अब मैं आती हूँ कुछ और छोटे से पॉइंट्स की, फिर मैं उसके बाद आऊँगी अबाउट द पीपल हु आर एसोसिएटेड. सो अनदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, आप हमेशा यू आर ऑन द मूव. आप एक जगह बैठ के टिक के कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज इवन आपको ये कहा जाए एक पिक्चर 3 घंटे का जो शो है वो 3 घंटे आपके लिए बैठना बहुत मुश्किल है. आप कहोगे मैं घर में टेलीविज़न पर देख लूँगा, मैं अपने स्क्रीन पर देख लूँगा, दिल करेगा पॉज करूँगा, दिल करेगा मैं कुछ और कर लूँगा. और एट द सेम टाइम आपके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी की है, आप 2 से 3 शो लगातार देख सकते हो, मतलब इकट्ठे देख सकते हो. आप इधर मूवी भी देख रहे होगे, आप एक इंग्लिश मूवी देख रहे होगे, आप एक हिंदी मूवी देख रहे होगे, आप एक 1956 वाली मूवी भी देख रहे होगे, और आप एक कोई यू नो डिबेट जो चल रही है पॉलिटिक्स की वो भी देख रहे होगे, और शायद 5वें चैनल पे आप एक टेनिस का मैच भी देख रहे होगे. और आप अवेयर 5ों के बारे में होगे, आपको पता होगा क्या चल रहा है. आप क्विक 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 क्विक, that is where you are very very restless and you are always always on the move. Next important thing is aapki observation maha 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 kamal hai. Out of all the signs, all the sun signs, sabse zyada agar koi observation power rakhta hai to wo aap rakhte ho, aur aap uske liye bakhan nahi karte ho. Aap kisi bhi jagah pe jaate ho, aap palak jhapakte 5 minute mein observe kar lete ho kahan kya change aaya hai, kisne kya kiya, kisne chupchap se help kari, kisne chupchap se extra kaam kiya. आप उसके बारे में बाद में बात करते हो कि मैंने वहाँ ये देखा कि इस पर्सन ने, शायद उसने बात भी नहीं की होगी, लेकिन आपको एकदम से बता दोगे दिस पर्सन डिड दिस, दिस पर्सन डिड दिस. उससे आप जो, मतलब किसी का भी जो इंटेंट है वहाँ पे, जो कुछ काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका इंटेंट आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ जाता है कि दिस इज़ द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन. अब मैं आती हूँ एक लास्ट पॉइंट पे जो मैं कहना चाहूँगी. एक्चुअली यू आर वेरी हार्ड हेडेड, अगर मैं कहूँ हार्ड हेडेड, बहुत सख्त दिमाग के इंसान हो, मतलब बहुत रूढ़ीवादी और सख्त दिमाग के इंसान हो, लेकिन यू आर नॉट वेरी हार्ड हार्टेड. दिल से इतने ख़राब नहीं हो, दिखते हो लेकिन दिल से ख़राब नहीं हो. हाँ, यहाँ से आप थोड़े से सख्त मिजाज के हो, थोड़े गर्म मिजाज के भी हो सकते हो. अब मैं आऊँगी उन लोगों पर जो कि आपसे एक रिलेशनशिप में हैं या आपको बहुत प्यार करते हैं. अब वो रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. ये मैसेज स्पेशली उन सब लोगों के लिए. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर जेमिनी, आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले, रोल प्ले करते हैं, तो जेमिनीज आपको ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ बढ़ के 50 बार बोलें आई लव यू या आई केयर फॉर यू, आई टेक केयर ऑफ़ यू. उनको दिखाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. उनके एक्शंस ज़्यादा लाउडली स्पीक करते हैं रादर देन देयर वर्ड्स, नंबर वन. नंबर टू, वो चाहते हैं कि उन्हें एक फ्रीडम दी जाए. वो ये चाहते हैं कि उन्हें बाउंड्रीज में ना रखा जाए, और बिल्कुल इसी तरह से वो आपको भी उतनी ही एक फ्रीडम देते हैं और उतनी ही स्पेस देते हैं. वो ऐसा नहीं कहेंगे आपको कि आप कुकून रहिए, या वो उनको अच्छा ही नहीं लगेगा कि आप उनकी हर मिनट उनके साथ आप चिपकू बन के रहने की कोशिश करिए. या इनफैक्ट ये मैसेज मेरे लिए भी है. मैंने आपसे कहा था ना, मैं बताऊंगी कि जेमिनी का मैं क्यों ये मैसेज देने वाली हूँ और क्यों ये इंपॉर्टेंट और तड़के वाले सारी, मतलब ये वीडियो मेरी सबसे लंबी क्यों हुई. उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड, he is a Gemini, and as per his date of birth, he's a Gemini. Sun rising also is a Gemini. So since he's a Gemini very strongly, so this is how, and ये इसका reason है कि ये हमारी very video बहुत लंबी हुई है. और secondly, मैंने बहुत सारी बातें through this video उन तक पहुँचाने की कोशिश करी हैं. Of course, 99.99999% he understands me and I understand him. बहुत लंबा समय हो गया हमें साथ एक दूसरे के रहते हुए, गुजारते हुए. तो जब आप किसी जेमिनी से रिलेशनशिप में हो, तो जैसे वो उनको एक स्पेस, वो आपको भी स्पेस देते हैं और उनको भी लगता है उनको भी एक स्पेस मिलनी चाहिए दूसरी. हालांकि यह रिश्ते में आता है जेमिनीज में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड. डोंट बी चिपको टू अ जेमिनी, क्योंकि अगर आप
उनको आपके पास आना है, वो आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे। लेकिन अगर आपने चिपकने की कोशिश की, चिपकना मीन्स हर पल क्वेश्चन पूछना, हर पल क्वेश्चन पूछना, हर पल साथ रहना या हर पल साथ जाना, राइट, तो देन दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, देन दैट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे डू नॉट अप्रिशिएट। अब मैं बात करूँगी स्पेशल मैसेज टू जेमिनाइज। मैंने कहा था ना इस वाली वीडियो में एक स्पेशल तड़का है, वो ये तड़का यही है, ये जेमिनाइज गर्ल्स के लिए मैसेज है, ये जेमिनाइज बॉयज़ के लिए मैसेज नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर अ जेमिनाई, आप बिल्कुल सोचना मत कि कोई एक घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा जो आपका एक जूता जो रात पार्टी में रह गया था वो लेकर आएगा, आपको देगा और उसके बाद घुटनों के बल बैठ के आपको प्रपोज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। ना कोई राजकुमार आएगा, ना आपको कोई राजकुमार आके प्रपोज करेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है, आपको अपना केक खुद बेक करना है। यू हैव टू स्टार्ट लविंग एंड गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ, नंबर वन। नंबर टू, हाँ, कोई जो आएगा या कोई भी आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो उस केक के ऊपर कैंडल्स ऐड कर सकता है, लेकिन आपके लिए केक बेक करने के लिए नहीं होगा। वेरी इम्पॉर्टेंटली, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खुद से प्यार और सबसे ज़्यादा टाइम खुद के साथ बिताना है। सो डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स हैपनिंग लाइक डिफरेंटली ओवर देयर। आई होप दिस मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, स्पेशली टू ऑल द जेमिनी गर्ल्स ओवर देयर। अब मैं बात करती हूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ। आपका सिंबल है ट्विंस, तभी तो आप दो मूड वाले होते हो इंसान। सेकेंड, योर रूलिंग प्लानट इज़ मरकरी, योर रूलिंग हाउस इज़ थर्ड, योर एलिमेंट इज़ एयर, मैंने बताया हवा का झोंका यहाँ वहाँ। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, योर कलर्स आर ब्लू एंड ग्रे एंड योर स्टोन्स आर ओपल, अगेट एंड आयरन स्टोन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनाइज। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट इसमें दो तीन चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी थी एंड आई डीपली अपोलोजाइज अभी जिनके बच गए हैं। मैं आई एम श्योर मैं नेक्स्ट वीक वो ज़रूर लेके आऊँगी। प्लीज़ वेट फॉर अ वीक्स टाइम, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है एंड दैट्स हाउ आई कम अप विद दिस द सीरीज़। एंड माई हार्ट फेल ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और बढ़ बढ़ के मुझे इतने मैसेजेस देने के लिए और इतने सारे कॉमेंट्स लिखने के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है। नतमस्तक, शुक्रिया, तहे दिल से आभार आपका। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।